सुशांत सिंह राजपूत की गिनती बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स में होती है जिन्होंने काफी कम समय में ही इस फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम कमा लिया है और इनका छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आने तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग था। दरअसल टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए फेमस सुशांत ने अपने आप को छोटे पर्दे तक ही सीमित नहीं रखा और जी तोड़ मेहनत कर वह बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता के तौर पर सामने आए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी कि किस तरह से खुद के मेहनत के बलबूते सुशांत ने भारतीय फिल्म जगत में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1986 से, जब बिहार की राजधानी पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम के सिंह था और इसके अलावा उनकी चार बड़ी बहन भी थी, जिनमें एक बहन रितु सिंह स्टेट लेवल के क्रिकेटर भी रह चुकी है। और दोस्तों, घर में सबसे छोटे होने की वजह से सुशांत को सभी फैमिली मेंबर से खूब प्यार मिला और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट करेंस हाई स्कूल से की। हालांकि 2002 में उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। और फिर इसी साल सुशांत की पूरी फैमिली पटना से दिल्ली आकर बस गई और फिर दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और फिर आखिरकार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बीटेक के मैकेनिकल ब्रांच के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर पढ़ाई के दौरान ही सुशांत ने श्यामक डावर के डांस क्लास को भी ज्वाइन कर लिया था और फिर उनके अच्छे डांस के लिए उन्हें पहली बार 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर चुना गया। और फिर आगे चलकर इसी साल ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भी सुशांत को अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। और सुशांत सिंह राजपूत ही बताते हैं कि डांस क्लास में आ रहे उनके कुछ दोस्तों को एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने बैरी जॉन्स ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन कर रखा था और अपने दोस्तों से ही प्रभावित होकर उन्होंने भी एक्टिंग की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और फिर धीरे धीरे सुशांत की रुचि पढ़ाई से हटकर डांस और एक्टिंग में बढ़ने लगी थी और इसी वजह से वह इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में भी लगातार फेल हो रहे थे। और फिर बीटेक के 4 साल के कोर्स को तीसरे साल में ही उन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से एक्टिंग में ही करियर बनाने के लिए जुट गए। और फिर हर किसी के तरह ही सुशांत भी सपनों के शहर मुंबई आए और यहाँ आकर उन्होंने नादरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और इस एकेडमी में वह अगले 2.5 साल तक एक्टिंग सीखते रहे। और इसी दौरान उन्हें नेस्ले मंच जैसे फेमस एडवर्टीजमेंट करने का भी मौका मिला। और फिर 2008 में बालाजी की कास्टिंग टीम के एक सदस्य ने सुशांत सिंह राजपूत को एक प्ले में परफॉर्म करते हुए देखा और वह उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी से काफी प्रभावित हुए और वहीं पर उन्होंने सुशांत को एक टीवी सीरियल में ऑडिशन देने के लिए इनवाइट किया। और फिर ऑडिशन में क्वालिफाई होने के बाद उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के टीवी सीरियल में प्रीत जुनेजा नाम का किरदार मिला। हालांकि इस सीरियल में इनके किरदार को बहुत ही जल्द मार दिया गया था, पर कम समय के लिए ही सही, लेकिन सुशांत ने लोगों के ऊपर एक गहरी छाप तो छोड़ी दी थी। और फिर कठिन परिस्थितियों में समय बिता रहे सुशांत के परिवार ने भी उनके टेलीविजन डेब्यू के बाद से गहरी सांस ली। और फिर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को वह टीवी सीरियल मिला जिससे कि वह पूरे देश में फेमस होने वाले थे और इस सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता। और इस सीरियल में वह मानव देशमुख जैसे सीरियस और मैच्योर मैकेनिक की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और अपने समय में यह सीरियल सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। साथ ही यहाँ पर काम करने के दौरान ही उन्हें टेलीविजन अवार्ड्स के बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर की तरह ही कई सारे अवार्ड्स मिले और पवित्र रिश्ता में इनकी शानदार अदाकारी ने ही बड़े पर्दे के लिए इनके रास्ते खोल दिए। हालांकि फिल्मी डेब्यू से पहले उन्होंने 2010 में जरा नच के दिखा 2 नाम के एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उन्होंने अपने डांस और एक्टिंग से यह बता दिया कि वह फिल्मों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने इसी साल झलक दिखला जा 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। और फिर अक्टूबर 2011 में सुशांत ने विदेश से फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए पवित्र रिश्ता टीवी शो को छोड़ दिया। और फिर विदेश से इस कोर्स को पूरा करने के बाद से जब वह भारत वापस आए तब उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोछे के लिए ऑडिशन दिया और फिर इस फिल्म के 3 मुख्य किरदारों में उन्हें भी जगह मिल गई। और इस फिल्म की स्टोरी बेसिकली चेतन भगत की फेमस नॉवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से ली गई थी और यह फिल्म रिलीज होने के बाद से काफी सफल साबित हुई। और फिर काई पोछे में उनके शानदार काम को देखते हुए ही उन्हें दूसरे फिल्म का ऑफर भी बहुत ही जल्द मिल गया जब यशराज फिल्म्स ने उन्हें शुद्ध देसी रोमांस नाम की मूवी के लिए साइन किया और यहाँ भी लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की।
और इसी वजह से उन्हें आगे भी पीके, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और राबता जैसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलता रहा। साथ ही उनकी फिल्म केदारनाथ भी 7 दिसंबर 2018 को रिलीज होने वाली है। और दोस्तों, उनकी शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें एडवांस में ही 2019 के 4 फिल्मों में लिया जा चुका है और इन चारों मूवीज की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी सेल्फ मेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।